नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगा जो आपकी कमर दर्द को सही कर सकता है। दोस्तों, तेज रफ्तार से चल रही जिंदगी ने हमारी पूरी जीवन शैली को बदल दिया है, जिसके कारण शरीर में कई सारी परेशानियां होने लग गई हैं। इन्हीं परेशानियों में से एक है पीठ का दर्द, जो बहुत आम समस्या है। ये पहले 40 की उम्र तथा बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब ये समस्या किशोरों और बच्चों में भी होने लगी है। पीठ दर्द कई सारी कारणों से हो सकता है, जैसे दिन भर काम करने से, तनाव, शरीर में पानी की कमी आदि। जब आप किसी मांसपेशी से उसकी क्षमता से ज्यादा काम लेते हैं तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है, जो आपको दर्द बनकर महसूस होता है। इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और यदि आप इसके लिए चिकित्सक के पास नहीं भी जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आयुर्वेद में भी इसका उपचार है। तो आइए जानते हैं कमर दर्द को दूर करने का आयुर्वेदिक उपचार। पहला है अदरक। बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अदरक से पीठ दर्द में फायदा मिलता है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी यौगिक होते हैं और जो कमर और पीठ के दर्द में राहत देते हैं। इसके प्रयोग के लिए आपको क्या करना है, अदरक के छोटे छोटे 4 से 6 टुकड़े ले लें और उन्हें आधा कप पानी में डालकर 10 से 15 मिनट तक उबालने के लिए रख दें। फिर आंच से उतार लें और कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दें तथा इसमें शहद मिलाएं। अब इस बनाए हुए मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार पिएं, आपको दर्द में राहत मिलेगी। आप चाहें तो अदरक के पेस्ट में नीलगिरी का तेल डालें और उसे अच्छे से मिलाकर पीठ पर जिस भी जगह दर्द हो रहा है वहां लगाएं। और इसके अलावा आप हर्बल चाय बनाकर भी पी सकते हैं। इसके लिए आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच लौंग पाउडर तथा अदरक का पाउडर डालकर चाय बना लें और पिएं। दूसरा है तुलसी। तुलसी कई दर्द का इलाज है तथा इसका रोज सेवन करने से आप निरोगी बनते हैं। इसके अलावा पीठ के दर्द में इसका सेवन करने पर आपका दर्द जल्दी से छूमंतर हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, 1 कप पानी लें और उसमें 8 से 10 तुलसी के पत्तियां डालें और इसे उबालने को रख दें, और इसे तब तक उबालें जब तक कप का पानी आधा ना हो जाए। अब बनाए हुए इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दें और चुटकी भर नमक डालें। इस बनाए हुए मिश्रण को पिएं और आराम करें। ये मांसपेशियों को राहत देकर पीठ दर्द से निजात दिलाता है। तीसरा है खसखस। खसखस का सेवन पीठ दर्द का सबसे अच्छा आयुर्वेदिक इलाज है। कई लोग ठंडी के दिनों में इसका हलवा बनाकर भी लेते हैं ताकि शारीरिक दर्द से राहत मिल सके। इसके लिए आपको क्या करना है, 100 ग्राम खसखस के दाने को मिश्री के साथ मिलाकर अच्छे से पीस लें तथा इस बनाए हुए मिश्रण को रोजाना दूध के साथ सेवन करें, आपको कमर दर्द की समस्या नहीं होगी। चौथा है हर्बल तेल। हर्बल तेल से शरीर पर मालिश करने से शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है तथा दर्द से छुटकारा मिलता है। यह एक प्रभावी बैक पेन ट्रीटमेंट है। आप हर्बल तेल में नीलगिरी का तेल, बादाम तेल, जैतून का तेल या नारियल का तेल ले सकते हैं। इसके बाद तेल को गर्म करें। जब तेल ठंडा हो जाए तो उसे दर्द वाली जगह पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। आप देखेंगे कि कुछ देर में आपका दर्द गायब हो जाएगा। पांचवा है लहसुन। लहसुन एक ऐसी सामग्री है जो हर घर में मिल जाती है और ये बैक पेन रिलीफ में बहुत प्रभावकारी है। यदि आप रोजाना खाली पेट सुबह सुबह लहसुन की 2 से 3 कली का सेवन करेंगे तो पीठ के दर्द की समस्या आपको कभी नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप लहसुन के तेल से मालिश भी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए नारियल तेल, सरसों का तेल तथा तिल का तेल लें और इन सभी को धीमी आंच पर गर्म करें। अब इसमें 8 से 10 लहसुन की कली डालें और उसे तब तक तलें जब तक भूरे रंग की नहीं हो जाती। जब ये लहसुन की कली तल जाए तो गैस को बंद कर दें। इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें तथा इस बने हुए तेल से दर्द की जगह पर मालिश करें और कुछ देर बाद गर्म पानी से नहा लें। छठा है गेहूं। गेहूं में एक ऐसा यौगिक पाया जाता है जो दर्द को कम कर सकता है तथा पीठ दर्द में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी गेहूं को रात भर के लिए कटोरे में भिगोकर रख दें, सुबह दूध में मिलाकर इसे पिएं, आपको दर्द से राहत मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कमर दर्द के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। यदि आप भी पीठ दर्द की समस्या से परेशान हैं तो इन उपायों को जरूर अपनाएं, किंतु यदि समस्या बहुत अधिक है तो बिना देर किए चिकित्सक से संपर्क करें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसे ही और हेल्थ के वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।